सियाचिन में थम जाती है सांसें, खून को जमा देने वाली ठंड, हर वक्त मौत का मंडराता खतरा, जवानों के साहस को सलाम। सियाचिन एक ऐसा इलाका जहां के किस्से सुनने भर से ही शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है, लेकिन वहां मुस्तैद रहने वाले हिंदुस्तान के जाबाज, जो कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त मौत को मात देते रहते हैं। दरअसल सबसे ऊंचे जंगी मैदान जमीन से 6,700 मीटर ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर पर लगातार निगरानी रखने के लिए हमारे जवान विकट परिस्थितियों का सामना करते हैं। मैदानी इलाकों में बैठकर सियाचिन के हालातों का अंदाजा लगाना भी शायद मुश्किल है। यहाँ मौसम भी कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यहाँ ठंड इस कदर अपना कहर बरपाती है कि नसों में खून तक जम जाए, ऊंचाई इतनी कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। सियाचिन पर -70 डिग्री की ठंड में भी अपने देश के लिए ये जवान 24 घंटों मुश्तैदी से डटे रहते हैं। यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों ओर के करीब 10,000 से 20,000 तक सैनिक तैनात हैं। सियाचिन में बर्फबारी से ज्यादा खतरनाक यहाँ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं अचानक चलती हैं, बर्फीला तूफान भी अचानक आता है। अब तक सबसे ज्यादा मौतें इसी वजह से हुई हैं। मौसम इस हद तक खराब होता है कि हेलीकॉप्टर का उड़ना भी नामुमकिन होता है। यानी कि अगर किसी आपात स्थिति में सियाचिन में तैनात सिपाहियों को मदद पहुंचानी है तो मौसम के सही होने का इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से यहां मेडिकल इमरजेंसी के वक्त भी जवानों तक मदद नहीं पहुंचाई जा सकती। सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से साल भर का रसद कुछ महीनों में ही जुटा लिया जाता है। उसी राशन से जाबाजों को पूरा साल निकालना होता है। यही नहीं, यहाँ तैनात जवानों को बर्फ से बचने के लिए 3 किलो के वजन वाले जूते पहनने होते हैं। इतनी ऊंचाई पर जमा देने वाली हवाओं में सैनिकों की जुबान भी नहीं खुल पाती। वहां तैनात जवानों को महीनों तक टूथपेस्ट किए बिना रहना पड़ता है, क्योंकि पेस्ट जम जाता है। पीने का पानी बंकर में लगातार गर्म करते रहना पड़ता है। सियाचिन में जवानों को खाने की बेहद दिक्कत होती है। वहां संतरे और सेब क्रिकेट की बॉल जितने सख्त हो जाते हैं। सैनिकों को ज्यादातर खिचड़ी खानी पड़ती है। अब हम आपको सियाचिन के अतीत के बारे में बताते हैं कि दरअसल सियाचिन विवादित इलाका कैसे बना। 13 अप्रैल 1984 को कड़े संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराकर उत्तरी कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। आज 30 साल बाद भी दोनों पक्ष आमने सामने अड़े हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना को इस ऑपरेशन की राह दिखाने वाले भारतीय पर्वतारोही का कहना है कि चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, भारत को यहां से पीछे नहीं हटना चाहिए। भारतीय सेना के कर्नल नरेंद्र कुमार इस ऑपरेशन के आधुनिक पिता होने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि 1984 में उनके खोजी अभियान ने ही भारत के इस ग्लेशियर पर कब्जे का रास्ता तैयार किया था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।